हाय फ्रेंड, आज देखिए, आज मैं आपको इलेक्ट्रिकल पैनल जिसमें जैसे ऑटो मेंस फेलोर होता लगा होता है, कुछ लोग उसको जो है एमएफ पैनल भी बोलते हैं, तो आज हम आपको उसी के बारे में जो है पूरा कंप्लीट डिटेल से बताएंगे कि ये जो है कैसे काम करता है। तो इसका जो है हम आपको एक एनिमेटेड वीडियो बनाकर जो है हम आपको पूरे डिटेल से जो है उसी के बारे में क्लियर कर देंगे कि ये जो है कैसे कैसे काम करता है, ताकि उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एमएफ पैनल जो है कैसे काम करता है। अब जैसे पावर सप्लाई रहती है तब एमएफ कैसे कौन सा काम करता है, और जैसे अगर पावर सप्लाई चली जाती है उस केस में जो है जब हमारा जनरेटर चालू हो जाता है तब वो कैसे काम करता है, और कैसे कट ऑफ होता है, और कैसे जो है पावर सप्लाई जो है आगे जाता है, ये सभी चीज़ें जो है हम आपको इस एनिमेटेड वीडियो में जो है हम आपको क्लियर कर देंगे। तो आइए अब हम आपको ये वीडियो जो है दिखाते चलते हैं और उसको जो है पूरा का पूरा जो है क्लियर करते चलते हैं। आइए अब ये देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें देखिए राइट साइड में जो है ये मेन पावर सप्लाई का है, इधर से जो है पावर सप्लाई जैसे जब रहता है तब ये इनपुट आता है। अब ये देखिए, ये इसको कमांड जब मिलता है कंडक्टर को तब ये ऑन हो जाता है, और जब ये ऑन हो जाता है तब ये डायरेक्ट जो है पावर सप्लाई जो है आउटपुट में चला जाता है जहाँ हमें यूज करना होता है। और जैसे अगर बाद में जैसे कभी जब ये पावर जैसे ये कट हो जाता है तो उस केस में क्या होता है कि हमारा ये कंडक्टर जो है ये ऑफ हो जाता है, और उसके बाद ये देखिए जनरेटर को जो है ये कमांड मिलता है स्टार्ट होने के लिए, और जब ये स्टार्ट हो जाता है तब ये देखा कंडक्टर के थ्रू ये जो है MCCB के थ्रू जो है ये हमारा कंडक्टर को जाता है, और उसके बाद जो है ये जो है हमारा बोर्ड से जो है ये कंडक्टर को जो है ये कमांड मिलता है, और फिर यहाँ से जो है कंडक्ट ऑन होकर जो है ये पावर सप्लाई जो है आगे चला जाता है। तो ये इसका, और जब ये देखिए अगर पावर सप्लाई जब ऑन हो जाता है उस केस में देखिए हमारा कंट्रोल बोर्ड से जो है DG सेट के कंडक्टर को जो है ये कमांड मिलता है, और ये DG सेट जो है उसका कंडक्टर ऑफ हो जाता है, उसके बाद जनरेटर को जो है कमांड मिल जाता है तो फिर वो जनरेटर बंद हो जाता है, और इधर जो है हमारा मेन का जो है ये कंडक्टर को जो है सप्लाई मिल जाती है, फिर उधर से जो है पावर सप्लाई ऑन हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसको लाइक सब्सक्राइब, और हो सके तो अपने दोस्तों फ्रेंडों और टेक्नीशियन को भी इसको शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो।